मैं आपके इससे टोटल डिविजर्स पूछता तो आपका आंसर क्या होता? बोलो, टोटल डिविजर्स में सेवन आंसर इंटू क्या होता? फाइव इंटू सेवन इंटू थ्री फाइव इंटू थ्री। और सम ऑफ ऑल डिविजर्स अगर मैं पूछता, बोलो, तो इसका भी आंसर आप देना जानते हैं, वो क्या हो जाता? बोलिए, 2 की पावर 7 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 3 की पावर 5 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, और 5 की पावर 3 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। यही तो सम होता, हाँ या ना? ये दो चीजें तो एकदम क्लियर हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट हमें क्या चाहिए? टोटल डिविजर चाहिए जो कि डिविजिबल हो किससे? टोटल डिविजर चाहिए जो कि डिविजिबल हो किससे? 180 से। तो सबसे पहले हम 180 को ही लिखेंगे साइड में। 180 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बताओ? बोलो, 180 को अगर आप सर। लिखोगे टू तो क्या लिखोगे? स्क्वायर थ्री स्क्वायर इंटू फाइव 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, यानी 2 की मिनिमम पावर आपको कितनी चाहिए, बताओ? 2 है कि नहीं? और 3 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए? 2। और 5 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। तो इसका मतलब 2 के पास ऑप्शन क्या क्या बचे आपके पास, बोलो? 2 स्क्वायर 2 क्यूब चाहिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यानी 2 के पास कितने ऑप्शन बच गए? 5। अरे बताओ भाई, कॉन्सेप्ट तो यही हुआ ना यस कि सर। एटलीस्ट आपको चाहिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 की पावर 1, ये कम से कम चाहिए। 5 के पास कितने ऑप्शन बचे? 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, और सॉरी 3 के पास, और 5 के पास कितने ऑप्शन बचे? 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो टोटल कितने डिविजर्स आ गए? 30। समझे कि नहीं भाई? टोटल कितने डिविजर्स आ गए? 30, जो कि किससे डिविजिबल हैं, बताओ? 180 से। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता सम ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 80, तो क्या डिफरेंस ले आते, बताओ? डिविजिबल बाई 180, तब क्या कॉन्सेप्ट में चेंज आता? अगर टोटल डिविजर्स का सम निकालते हैं तो तरीका क्या था? जितनी 2 की पॉसिबिलिटी है वो लिख देते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 6 तक, इंटू जितनी 3 की पॉसिबिलिटी है वो लिख देते हैं, बोलो भाई, और जितनी 5 की पॉसिबिलिटी है वो लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि नहीं? अब यहाँ पर टू की सर पॉसिबिलिटी कहाँ से शुरू हो रही है? 2 स्क्वायर से। तो अगर हमें सारे डिविजर्स का सम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बोलो? अगर डिविजर्स का सम, बताओ जल्दी, बताओ। बस आपने वही जनरल कॉन्सेप्ट उठा के लगा दिया है कि नहीं? तो 2 की पॉसिबिलिटी 2 स्क्वायर 2 क्यूब से लेके कहाँ तक जाएगी? 2 की पावर 6 तक। फिर 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, एंड 5 स्क्वायर, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बताओ? बोलिए, तो ये क्या यस आएगा? सर। 2 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर, अरे हाँ या यस ना? सर यस सर। और 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, और 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ यस सर। जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपने लगाया, डिविजर्स भी निकाल लिए और वही सम भी निकाल लिया। सम निकालने में वही सेम कॉन्सेप्ट, इसी का जनरलाइज कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। अब आपको कैसा भी कुछ भी चाहिए आप आराम से निकाल देंगे। बोलिए, डिविजर्स का ये चीज समझ में, सही है ना? मतलब कंपोजिट नंबर को 2 फैक्टर में रिजॉल्व करना है, हम इसकी बात करेंगे। तो मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर एन है आपके सामने, आप उस नंबर को 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c 7 की पावर d इंटू प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब आपसे कहा गया कि इसी नंबर एन को आपको 2 फैक्टर्स x और y में ब्रेक करना है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हमें x और y में ब्रेक करना है तो सोच के जवाब दीजिएगा, दोनों नंबर्स का में जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2 की पावर a मेंटेन होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो यहाँ 2 की पावर a हो जाएगा कि नहीं, सोचो। अगर यहाँ 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर a-1 होना चाहिए, हाँ या ना? अगर यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 की पावर a-2 होना चाहिए कि नहीं, सोच के जवाब दो। तभी तो 2 की पावर a 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में मेंटेन होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना? यानी कि 2 की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, 2 की टोटल पॉसिबिलिटी a+1 है ना? तो आधी पॉसिबिलिटी यहाँ काउंट होंगी, आधी पॉसिबिलिटी यहाँ काउंट होंगी, तो टोटल a कितने तरीके से रेंज होगा? a+1/2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही 3 की पावर अरेंज करोगे तो टोटल b+1 होंगे, बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही c को अरेंज करोगे
तो c प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही d को अरेंज करोगे तो d प्लस वन बाई टू हो जाएगा, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, बोलिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, बताओ बोलिए नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलो। अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, d प्लस वन बाई टू हो गया कि नहीं, बताओ, एंड सो ऑन और होल डिवाइडेड बाई टू। ये तब हो गया इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, सही है। अच्छा, अगर n परफेक्ट स्क्वायर हुआ, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बस समस्या ही हो जाएगी कि एक नंबर जो है वो उसमें रिपीट कर रहा होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, d प्लस वन एंड सो ऑन, सब में वन ऐड कर देंगे इस टोटल प्रोडक्ट में और उसको क्या कर देंगे बाय टू। समझ गए कि नहीं भाई, तो ये सिंपल से रूल है। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर n आपके सामने है और आपको उसको दो फैक्टर्स में रिजोल्व करके लिखना है x इंटू y में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो ये होंगे, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये होंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब यही कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ n, अगर मैं सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट करूं, जितने डिविजर्स आप लिख रहे हैं सारे डिविजर्स का अगर मैं आपसे प्रोडक्ट डिस्कस करूं, तो वो प्रोडक्ट होता है n की पावर a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, d प्लस वन एंड सो ऑन बाय टू, वो भी तब इफ n इज नॉट अ, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, है कि नहीं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, d प्लस वन पूरा प्रोडक्ट प्लस वन बाई टू, अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ये कैसे जज करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई, अगर सारी पावर इवन होंगी ये वाली तो हमेशा दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये रूट एन डिफाइन हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी सी डी सब इवन होगी। अच्छा, अगर ए बी सी डी सब इवन होंगी तो होगा क्या, ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, डी प्लस वन सब आउट होंगे, ये प्रोडक्ट आउट होगा, तो वन एड करके बाई टू करेंगे तभी आप इक्वली दो पार्ट में इसको डिवाइड करके दो फैक्टर बना पाएंगे, है कि नहीं। ऐसे ही जब सारे डिविजर्स का आप प्रोडक्ट करेंगे तो टू की पॉसिबिलिटी भाई एक जगह जीरो होगी, एक जगह वन होगी, एक जगह टू होगी, ऐसे करते 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 जब आप सारे डिविजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो टू की टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो ए प्लस वन टाइम्स आएगी, और हर पॉसिबिलिटी दो बार रिपीट हो रही होगी, तो वो ए प्लस वन बाई टू, बी प्लस वन बाई टू, सी प्लस वन बाई टू, डी प्लस वन बाई टू टाइम्स आ जाएगा। तो हर भाई हर बार प्रोडक्ट बनेगा ना भाई, टू की पावर जीरो, टू की पावर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू की पावर वन, टू की पावर ए माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे टू की पावर टू, टू की पावर ए माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार ऐसे बोलिए, और एक बार इसी रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो उसी में हम क्या कर देंगे बाई टू करके एक ही बार उस प्रोडक्ट को काउंट कराएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स की बात हो गई, बोलिए क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं। और वो बात हो गई अगर हमें उसको दो फैक्टर में रिजोल्व करके लिखना है उसकी, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट बन रहा हो तो मुझे बताइए, हाँ या ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में भी रिजॉल्व करके लिख लेंगे कैसे, और इसको भी ऐसे कर लेंगे, दोनों में कहीं कोई। तो पहला सोचो जरा आंसर, पहला पहला नंबर 12960, इसको क्या लिखोगे,
36 into 36 into 10 36 मतलब नाउ फोर टू की पावर फाइव तो अगर हमें दो फैक्टर में रिजोल्व करना हो तो टोटल वेज कितने होंगे बोलो टोटल वेज फॉर रिजोल्व इनटू टू फैक्टर कितने होंगे जल्दी बेटा ए प्लस वन बी प्लस वन थर्टी भाई ए प्लस वन सिक्स आएगा कि नहीं बी प्लस वन इंटू वन प्लस वन और बाई टू तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे यहाँ से टू टू कैंसिल फाइव इंटू सिक्स थर्टी हो गया कि नहीं अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट पूछूं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स तो आंसर कितना होगा बोलो 12960 की पावर 30 वेरी गुड सेकंड का आंसर बताओ सेकंड में अगर मैं 12960 को लिखूं तो बस इसमें क्या है दो जीरो और बढ़ जाएंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा क्या क्योंकि एक 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 की पावर 4 5 की पावर 2 हो जाएगा तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं सर 53 अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं तो टोटल वेज कितने हो गए फॉर रिजॉल्विंग टू फैक्टर टोटल वेज फॉर रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स सोच के जवाब दो तो हो गया 6 + 1 4 + 1 2 + 1 + 1/2 कितने होगा ये 53 हुआ क्या ये देखो yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी को तो बताओ बोलिए तो आप टोटल वेज कितने आ गए 53 देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अरे हाँ या ना डन है भाई ये 53 कोई कंफ्यूजन है ना अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितने हो गए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो गया 12960 की पावर 53 कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ हाँ या ना समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट yes, कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एन नंबर जो है ना वो एलसीएम है किसका एक्स और वाई का सही है ना तो हमें बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड y सही है ना such that n जो है वो LCM हो x और y LCM का मतलब क्या होता है least common multiple है कि नहीं मतलब x और y में जो least common multiple हो वो n बन जाए done है मामला बोलो अब जरा सोचो अगर हम n को लिख दें 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c 7 की पावर d and so on तो सिचुएशन क्या कि n को पहले दो फैक्टर में रिजॉल्व करना है उन दो फैक्टर का एलसीएम जो है वो n बनने के लिए x और y दोनों में से किसी एक फैक्टर में 2 की पावर a होना चाहिए बोलो किसी एक फैक्टर में 2 की पावर a होना चाहिए हाँ या ना तभी तो अब यानी कि एक फैक्टर में 2 की पावर a फिक्स हो गया और दूसरे फैक्टर के पास ऑप्शंस क्या-क्या आ गए बोलो दूसरे फैक्टर में 2 की पावर 0 हो चलेगा 2 की पावर 1 हो चलेगा बोलो भाई हाँ है ना 2 की पावर 2 हो चलेगा से लेके 2 की पावर a तक कुछ भी चलेगा सोच के बताओ अरे हाँ या ना मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं तो ये टोटल वेज कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बोलो भाई 2 की पावर 0 के साथ 2 की पावर a 2 की पावर 1 के साथ 2 की पावर a ऐसे करते करते 2 की पावर a माइनस 1 के साथ 2 की पावर a ये टोटल a वेज हुए कि नहीं सोचो ये टोटल yes, a पेयर बन रहे अच्छा yes, अब sir. x और y दोनों ऐसे भी हो सकते हैं y और x दोनों ऐसे भी हो सकते हैं बोलो हो सकते हैं तो ये टोटल कितने पेयर बन गए 2a
हाँ है ना, एक्स और वाई का एलसीएम या वाई और एक्स का एलसीएम, और एक पेयर इसमें ये बचेगा टू की पावर ए, टू की पावर ए। बोलो, नहीं समझे, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, एक पेयर इसमें बचेगा ना टू की पावर ए, नहीं पूरा खेल समझ में आया क्या हुआ? बोलो, यही पर छोड़ देंगे ना? नहीं, बोलिए भाई, पूरा खेल समझ में आया क्या? a/2 नहीं, देखो क्या है कि हमें, अगर मान लो 2 की पावर a की केवल हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं समझाता हूं, तो 2 की पावर a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा x और y में, कि भाई x और y का जो LCM है वो 2 की पावर a बनना चाहिए। कैसे बनेगा? 2 की पावर a एक नंबर में हो और दूसरे में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से 2 की पावर a हो, हाँ या ना? देखो, या फिर एक नंबर में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से 2 की पावर a हो, और दूसरा नंबर जो वो क्या हो जाए इस बार 2 की पावर a हो। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बट इन पूरी पॉसिबिलिटी में 2 की पावर a वाला पोर्शन तो कॉमन ही रहेगा ना, सोच के जवाब दो भाई। एक सिंगल पॉसिबिलिटी तो ऐसी होगी जिसमें इसमें भी 2 की पावर a हो, इसमें 2 की पावर a हो, इसमें भी 2 की पावर a हो, इसमें भी 2 की पावर a हो, ये पॉसिबिलिटी तो एक ही बार काउंट होगी ना, क्योंकि ये सेम है। बाकी ये पॉसिबिलिटी a टाइम्स, ये पॉसिबिलिटी a टाइम्स, नहीं समझे मेरी बात? ये कितने पॉसिबल पेयर बन गए a, वे कि नहीं ये बताओ? ऐसे ये कितने पॉसिबल वेज बन गए, सोचो जरा जल्दी से, a, और ये कितने वेज आ गए? वन ही होगा ये पूरा, हाँ, क्योंकि एक ही बार काउंट है, तो टोटल कितने वेज हो गए? अगर हमें एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई 2 की पावर a चाहिए तो टोटल वेज कितने हो गए? आप दिखा सबको, बोलो, दोनों सेट 2 की पावर a है, फिर दोनों पेयर बनाने 2a प्लस 1 हो गए। देखो, हाँ बोलो, कुछ कह रहा है कोई? कह रहे जब 2 की पावर a अरेंज होगा वैसे ही 3 की पावर b अरेंज होगा, वैसे ही 5 की पावर c अरेंज होगा, वैसे ही c की पावर d अरेंज होगा, तो टोटल वेज कितने होंगे आप बताओ? टोटल वेज इन विच एलसीएम ऑफ x, y इक्वल टू n इक्वल टू 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d एंड सो ऑन, कितने होंगे अब? 2a प्लस 1, 2b प्लस 1, 2c प्लस 1, 2d प्लस 1 एंड सो ऑन। क्या है मेरी कहानी, सब लोग समझ पा रहे हैं मुद्दे की बात? समझाओ, बोलो भाई। बस हमने 2 की पावर a, 2 की पावर b, 3 की पावर c इन सबको अरेंज करके अपना आंसर लिख दिया है, हाँ या ना? समझ गए ना कॉन्सेप्ट? बोलो, तो ये एलसीएम वाली बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? आ गई ना? गुड, अगर आ गया है तो अब मुझे इसका आंसर आप बताएंगे तुरंत, बोलिए जल्दी से, क्विक, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सोच समझ के बताएंगे। आइए तो चलो घूम के पूछ लेते, टोटल डिविजर्स अगर पूछता एक झटके में तो आंसर बताओ क्विक। अगर मैं आपसे पूछता टोटल डिविजर्स, जल्दी आंसर बोलो सब लोग, 6 × 3 × 4, हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछता सम ऑफ डिविजर्स, जल्दी आंसर बोलो, 2 की पावर 6 माइनस 1 बाई 1, 3 की पावर को तो कुछ आता नहीं, 5 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अपॉन 4, गुड, 7 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 6, 7 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 6, वेरी गुड। अच्छा, अगर इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व करते, नंबर ऑफ वेज रिजॉल्व्ड इनटू टू फैक्टर, 7 × 4 × 5/2, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं? नो सर, 7 × 4 × 5/2, तो क्या आता? 6 + 1, मतलब वही 5 + 1, अरे वही पूरा डिविजर्स बाय 2 हो जाता ना यार। यस सर, यस सर। तो 6 × 3 × 4/2, यस सर। अब बताओ, अगर x और y का एलसीएम हमें n लाना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जो एक्चुअल में आपसे पूछे गए हैं? बोलो, 10 + 1, बोलो, 4 + 1, 6 + 1, हाँ या ना? बोलो, आपसे एक्चुअल में यही आंसर पूछा गया था, है कि नहीं?
बट ये तो आंसर आप एडिशनली आराम से कर ही लेंगे. अब इस तरह की सिचुएशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. बोलो, बस एन को आपने ऐसे लिखा, 2 की पावर 5 के टोटल वेज कितने हो गए 11, 5 की पावर 2 के टोटल वेज कितने हो गए 5, और 7 की पावर 3 के टोटल वेज 6, सबको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वेज आ जाएंगे. इन विच दिस फैक्टर रिजॉल्व इनटू एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई एलसीएम इक्वल टू दिस. अगर दो फैक्टर में रिजॉल्व करना है तो ये वेज हो गया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सम डिविजर्स और एलसीएम भी हो गया. हाँ बोलो बेटा, आइडिया है ना आप लोगों को? बोलो, याद है मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ? जैसे आपने पढ़ा ना कि एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके सपोज एक्स आर है और उसकी पावर एन है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल बाई एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल से लेके एन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स वन की पावर एन वन एक्स टू की पावर एन टू से लेके एक्स आर की पावर एन आर, जहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एन वन प्लस एन टू से लेके एन आर का सम कितना होगा एन, और ये जितने एन वन एन टू से एन आर आप यूज करेंगे इनकी वैल्यू जीरो से एन के बीच में होगी. यही तो मल्टीनोमियल होती है कि नहीं, बताओ मुझे, याद आया बाइनोमियल में आपने पढ़ा है? यही तो मल्टीनोमियल का फाइनल एक्सपेंशन होता है जिसमें इन सारी पावर्स का सम हमेशा एन मेंटेन होता है. यानी इसमें जो भी कोफिशेंट आएगा उसमें इन सारी पावर्स का सम हमेशा एन आएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई. अच्छा एक ये, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन एक्सपेंशन है, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन आपसे लिखूं तो आप लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू, बोलो भाई, एक्स क्यूब एंड सो ऑन. याद आया कि नहीं ये एक्सपेंशन? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो आप क्या आंसर दोगे? बोलो भाई, एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है ये, तो यानी आंसर क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 से लेके एन प्लस आर माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल. क्या यही आएगा बताओ? अच्छा अगर इसी को आप ध्यान से देखो, ऊपर नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं? अब एक n अंदर जाएगा, फिर n प्लस 1 अंदर जाएगा, n प्लस 2 अंदर जाएगा, फिर n प्लस r माइनस 1 अंदर जाएगा. अरे हाँ या ना? तो यही क्या बन जाएगा, n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, n प्लस r माइनस 1 cr या n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1. देखो जरा ध्यान से. अब ये एक रूल है जो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत होता है. दैट इज कोफिशेंट ऑफ x की पावर r इन एक्सपेंशन किसमें भाई, 1 माइनस x की पावर माइनस n में n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है. क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है? और ये यूज होने वाला रिजल्ट है. x की पावर r का कोफिशिएंट किस में, 1 प्लस x की पावर माइनस n में. देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता. देखिए क्या है मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट, क्या है मल्टीनोमियल के टाइम पे आपने पढ़ा था x1 से लेके xr, x1 प्लस x2 प्लस xr की पावर n, इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हैं तो n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nr फैक्टोरियल x1 की पावर n1 x2 की पावर n2 से डॉट 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 एक्स आर की पावर एन आर. ये जितनी भी पावर्स हैं एन वन एन टू एन आर, इनका सम हमेशा एन होगा. यानी इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं आता है जिसमें इन सारी पावर्स का सम एन से बड़ा एन से छोटा, हमेशा उस पावर का सम एन होता है. दूसरा एन वन एन टू एन थ्री की जो भी वैल्यू होती है वो जीरो से एन के बीच में होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट रूल था कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का अगर आप एक्सपेंशन लिखें एनी इंडेक्स के हिसाब से, तो आपको उसका एक्सपेंशन याद है ना, 1 प्लस एन एक्स n into n minus 1 by 2 factorial into x square, n into n plus 1, n plus 2 by 3 factorial into x cube and so on. इसमें अगर आप x की power r का coefficient देखें, तो square में 1 तक जा रहे हैं by 2 factorial, cube में 2 तक जा रहे हैं by 3 factorial, तो r में r minus 1 तक जाएंगे और by r factorial, तो n into n plus 1, n plus 2, n plus r by r factorial. ऊपर नीचे हमने n minus 1 factorial से multiply किया. अब ये n अंदर जाएगा, n प्लस 1 अंदर जाएगा, n प्लस 2, n प्लस r माइनस 1, तो ये बन जाएगा n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल.
यानी इसी चीज को आप लिख सकते हो n प्लस आर माइनस वन सी आर या n प्लस आर माइनस वन सी एन माइनस वन। यानी ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको x की पावर r का कोफिशिएंट देखना है 1 माइनस x की पावर n में, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, तो वो कोफिशिएंट होता है n प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस वन सी आर या n प्लस आर माइनस वन सी एन माइनस वन। उन दोनों में से आप कोई भी कोफिशिएंट उठा के लिख सकते हैं, वो आप आराम से सिंपलीफाई कर लीजिए। यहां तक क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई, यहां तक एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? गुड। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जनरलाइज करके अपने मल्टीनोमियल क्वेश्चन में यूज करें तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स के, के वेरिएबल्स का सम एन के बराबर है, और इसमें आपको नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बताने हैं फॉर x1, x2, xk, non-negative मतलब greater than or equal to zero। तो इस equation में x1, x2, xk के non-negative integral solutions होंगे जिनका sum n के बराबर है, that is n plus k minus 1 ck minus, n plus k minus 1 ck minus 1। अब ऐसा क्यों होता है? भाई x1, x2, xk की अगर आप possibility देखें तो वो 0 से n के बीच में कुछ भी ले सकता है। यानी कि अगर हम x1 को arrange करें तो वो x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 3 से x की पावर n कुछ भी हो सकता है। सेम x2 का अरेंजमेंट, सेम x3 का, सेम xk का। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो सपोज हमने x1 में 0 लिया, x2 में 1 लिया, x3 में कुछ भी लिया, xk में कुछ भी लिया, तो सारी पावर्स का सम n बन जाए, वही टर्म आपको चाहिए। यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर n का कोएफिशिएंट लेना है। यानी कि हमें x की पावर n का कोफिशिएंट लेना है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर x की पावर k की पावर x पावर n की पावर k में। अच्छा, x की पावर n का कोफिशिएंट लेना है, अगर हम इसको x की पावर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 सब ऐड कर दें तो उससे x की पावर n के कोफिशिएंट पे कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा। बट ये पूरी सीरीज सिंप्लीफाई होके जीपी की हेल्प से 1 अपॉन 1 माइनस x बन जाएगी, यानी ये एक्सपेंशन बन जाएगा 1 माइनस x की पावर माइनस k, और उसमें हमें किसका कोफिशिएंट लेना है? x की पावर k का, जो कि क्या होगा, n प्लस k प्लस n माइनस वन सी एन या k प्लस n माइनस वन सी k माइनस वन। यही हमारा आंसर था अगर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। सही है, x टू दी पावर n है, उसका सेकंड स्टेप से समझा दीजिए दोबारा। यहाँ के बाद ये? यस सर। भाई यहाँ पर x की पावर n तक जा रहे थे, अगर हम इस एक्सपेंशन को बढ़ा के लिख दें x की पावर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 से लेके आगे, तो सोचो इस टर्म के आने से x की पावर n के कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? भाई ये तो खुद ही n प्लस 1 है ना। अरे हाँ या ना, तो ये कभी भी x की पावर n के कोफिशिएंट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। तो ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। बट इस टाइप के टर्म इनफाइनाइट तक लिखने से फायदा क्या हो गया? ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई और ये एक्सप्रेशन बन गया जिसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट निकालना आसान है। आप समझे टेक्निक? यस सर, यस सर, समझे। तो बस आपको बस ये वाला रूल याद रखना है और ये याद रखना है, आराम से काम हो। याद रखने का तरीका, एन नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब इंक्लूडिंग जीरो, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? n प्लस k माइनस वन सी के माइनस, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं। सीधा आंसर क्या लिखोगे? 12 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन वेज। अरे हाँ या ना। अब आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब x1, x2 सारे नंबर्स किससे ग्रेटर होने चाहिए? जीरो से ज्यादा होने चाहिए सर। x2 भी 0 से ज्यादा, x3 भी 0 से ज्यादा और x4 भी 0 से ज्यादा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम केवल तब लगा पाते हैं जब x1 0 के बराबर, x2 0 के बराबर, x3 0 के बराबर और x4 0 के बराबर हो। अच्छा, अब ध्यान से देना, x1 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, x2 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, x3 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, x4 भी 1 या 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x1 माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, x2 माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, x3 माइनस 1 0। हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे ही नहीं, समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे, x1 माइनस 1 को एक नया वेरिएबल मान लेंगे कैपिटल x, x2 माइनस 1 को नया वेरिएबल मान लेंगे कैपिटल x,
एक्स थ्री माइनस वन को नया वेरिएबल मान लेंगे कैपिटल एक्स, और एक्स फोर माइनस वन को नया वेरिएबल मान लेंगे कैपिटल एक्स फोर. तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ध्यान दीजिएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, सब में माइनस वन किया तो यहां एट आ गया. अब सोचो आपको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन. तो आंसर क्या हुआ, क्विक, एट प्लस फोर माइनस वन सी थ्री, एट प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन. हाँ या ना, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हैं सब लोग, ये बताओ मुद्दे की बात. यस सर. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो, बोलो. यस सर. अब बताओ अगले वाले में क्या करोगे. सर यही चीज करेंगे सर. एक्स वन तो ओके है, एक्स टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे, एक्स थ्री माइनस टू ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे, हाँ या ना, और एक्स फोर माइनस टू भी ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे, हाँ या ना, बोलो सर. तो अब एक्स वन तो सेम ही रखो, एक्स टू नया वेरिएबल बनाओगे, एक्स थ्री नया वेरिएबल बनाओगे, एक्स फोर नया वेरिएबल बनाओगे, तो कितना माइनस कर रहे हो, फाइव, तो सेवन बचेगा कि नहीं, बोलो सर. एक्स थ्री पे वन आएगा सर, एक्स थ्री ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है. ग्रेटर देन वन मतलब इक्वल टू वन. अच्छा हाँ. तो इक्वल टू के लिए क्या करोगे, टू या टू से बड़ा होगा. यस सर. यस. और हमें इक्वल टू जीरो चाहिए होता है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तब हम ये वाला रिजल्ट लगाते हैं. हम यही रिजल्ट ध्यान रखेंगे बस, इसके अलावा हमें और कोई रिजल्ट ध्यान नहीं रखना है. मेरी बात सुनिए, कुछ बुक्स में ये वाला रिजल्ट अलग से आपको लिखा मिलेगा, एन माइनस वन सी के माइनस वन, ये वही चीज है. सोचो ये वही चीज है कि नहीं है. अरे हाँ या ना, ये वही चीज है कि नहीं है भाई. 8 प्लस 4 12 हो गया कि नहीं. तो कुछ बुक में ये रिजल्ट ऐसे लिखा, बट ये रिजल्ट हमें नहीं पढ़ना है. हम सीधा सब में से 1 माइनस करेंगे और नए वेरिएबल बना के सीधा यही रिजल्ट हर बार लगाया करेंगे. तो हमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का रिजल्ट दिमाग में रखना है, सही है ना. नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, बस. क्लियर है. और अब बताओ इसका आंसर, अब तो सब में आ गया ना, अब तो सीधा आंसर लिखना, ये तो देखना भी नहीं है क्या आंसर लिखोगे. सेवन प्लस फोर माइनस वन सी वन, तो इसका मतलब टेन सी थ्री, बोलो भाई. yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करोगे, हाँ या ना, बोलिए. मामला डन है. इस टाइप के सिचुएशन में क्या करोगे भाई, एक्स वन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से लेके एक्स की पावर सेवन तक, बोलो हाँ या ना. एक्स टू की पॉसिबिलिटी वन प्लस एक्स से लेके कहां तक हो सकती है, बोलो, ट्वेल्व तक कुछ भी, अरे हाँ या ना. एक्स थ्री की, क्योंकि हमें एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री की पावर ट्वेल्व भी डील करना है ना, बोलिए. यही तो हमें डील करना है. अच्छा, x3 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बोलो, 1 प्लस x से लेके कहां तक, x की पावर 12 तक, बोलो भाई. अच्छा, x4 में क्या हो सकता है, x प्लस, क्योंकि इसमें 1 से ग्रेटर स्टार्ट करना है, अरे हाँ या ना. यस सर, तो x स्क्वायर से आएगा ना. तो x स्क्वायर से आएगा, सही ना. एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 पे इक्वालिटी लगा लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कम रहेगा ना. तो अब x की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो x स्क्वायर से लेके कहां तक, 12 तक कुछ भी जा सकते हैं. मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ. तो अब क्या सिचुएशन है आपके सामने, बोलो, इसका सम कितना होगा, अरे हाँ या ना, बोलो. अच्छा, अगर मैं इसमें x की पावर 13 से टर्म आगे ले लूं, कोई प्रॉब्लम, सोचो, क्या x की पावर 13, 14 ये सारे टर्म्स इफेक्ट करेंगे क्या, बोलो, सोच के बताओ. क्या 13, 14 इन सब का कोफिशिएंट x की पावर 12 को फर्क डालेगा, बोलो, डालेगा क्या, नहीं डालेगा. हाँ, सेम इसमें अगर हम x कॉमन करें और इसको भी 1 प्लस x स्क्वायर से लेके x की पावर 13, 14 लिख दें तो कोई ये भी फर्क डालेगा, नहीं. तो यानी अब सिचुएशन देखो क्या बनी,
x इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1, ठीक है, बाई x माइनस 1, और यहां पर क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, तो अल्टीमेटली बचा x इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर 4। चेक करियो, कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो, चाहो तो इसको वैसे ही लिख लो, 1 माइनस x की पावर 8 1 माइनस x। अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो पूरे खेल में तो अब मुझे कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ये समझ में आया ये कैसे मैं लिखता चला गया, बोलो। Yes, sir. इसी में हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, बोलो, बस। अब क्या हम x की पावर 12 का कोफिशिएंट हंसते खेलते निकाल सकते हैं, बोलो। इसमें कहीं कोई डाउट? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा ना कि भाई यहाँ से तो आप 13 ले रहे हो, यहाँ पर आप 8 क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं ले सकते ना, ऊपर से। हाँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 13 जो है वो x की पावर 12 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर x की पावर 13 लिखना बेनिफिट क्यों है? क्योंकि वो x की पावर 12 के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ आप नहीं कर सकते। तो ये जीपी का सम, ये सारी इनफाइनाइट जीपी का सम, आप बताओ कोफिशिएंट आराम से निकालोगे कि नहीं? तो जब एक x मल्टीप्लाई होगा तो किसका कोफिशिएंट लोगे? एक x आ गया, 12 चाहिए, वन माइनस एक्स की पावर माइनस फोर में, और फिर माइनस करोगे क्या, 9 आ गया तो क्या चाहिए, बोलो, थ्री किस में? बताओ अब आंसर आएगा कि नहीं? 11 प्लस 4 माइनस 1 सी 4, नहीं सी 11, और माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 सी 3। अरे हाँ या ना, सोचो अब आराम से, दोनों सॉल्व कर लो। तो आंसर क्या हो गया, 14 सी 11 माइनस 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, 6 सी 3। इसी को सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये जनरल कॉन्सेप्ट आप सभी को? चलिए पहला देखते हैं, 10 बॉल्स हैं, रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन, तो एक्स आर प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स बी प्लस एक्स जी, ये 10 होना चाहिए। यस सर। और अल्टीमेट नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, 13 सी 3। तो आंसर क्या हो गया, 13 सी 3। यस सर, यही आया। टोटल वेज आ गया 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, मतलब 13 सी 3। गुड, सेकंड वाला क्या करोगे? सेकंड नंबर ऑफ वेज इन विच ग्रेटर देन 3 आइडेंटिकल ट्वाइस डिवाइड कर दिया, मतलब कि तीन लोगों में डिवाइड करने, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 16 होना चाहिए। यस सर। और हमें के, मतलब डज नॉट रिसीव लेस देन 3, मतलब कम से कम 3 तो चाहिए ना सबको। यस सर। यानी x1 x2 और x3 सबके पास 3 होने ही चाहिए, यही तो है सिचुएशन, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब नया वेरिएबल बना लेंगे x1 x2 और x3। यस सर। और उसमें क्या माइनस कर देंगे, 7। आप टोटल वेज बताओ जल्दी से। हाँ, 9 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, आंसर इज, नहीं सॉरी, 7 प्लस 3 ना। यस सर। तो आंसर 9 सी 2 आ गया, वेरी गुड। थर्ड वाला सोचो, थर्ड में क्या आएगी, n से छोटा, n मतलब ये सम n से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए ना। Sir, और पॉस्ट एन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने, मतलब जीरो तो काउंट ही करना है, बोलो। Yes, तो क्या करोगे इसमें? सर, एक x5 और इंट्रोड्यूस करा देंगे और उसके बाद वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसमें एक t और ले लो और ये सब n के बराबर कर दो। अच्छा, x1 x2 x3 x4 ये सब नॉन नेगेटिव थे ही, टी भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, तो टी जीरो हो सकता है, यानी कि अभी भी सेम पांचों नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या हो गया, n प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, यानी कि n प्लस 4 सी 4, n प्लस 4 सी 4, समझ में आ गया होगा। यस सर। बोलिए। अच्छा, यहीं पे अगर ऐसा होता x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन आर इक्वल टू, नहीं सिर्फ लेस देन n होता, सही है, और अब आपसे पूछा गया होता
टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आपका आंसर क्या आता? n प्लस 3c4 हो जाता। बोलिए अब आपका आंसर क्या आता? n प्लस 3c4 हो जाता। हाँ, तो अब आप लॉजिक वाइज चलते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस t n करते, x1 n माइनस 1 कर देते ना। नहीं नहीं, वो तो अगले स्टेप में करेंगे ना। अब हम तुम अगर कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट कर लो। ये ग्रेटर देन जीरो होता और टी सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता तो इसी टी को हम टी माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लिख देते और यहाँ माइनस वन कर देते। बोलिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टी करते और यहाँ एन माइनस वन लिख देते। अब आंसर क्या होता है? एन माइनस वन प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो आंसर क्या आता बोलो? एन प्लस 3 सी 4। एन प्लस 2 ना? अरे बोलो भाई, एन प्लस 2 आता yes, कि नहीं? यस सर, एन प्लस 2 नहीं लिए क्या? यस मैंने हो गया। ठीक है। अरे यही तो फ्लो में भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इतना लिख दोगे तो गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे ना। डायरेक्टली कुछ भी करोगे ठीक है, अगर आप चार बार ये लिखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, वो वेल एंड गुड है। बट yes, देखा सिचुएशन कैसी थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिजल्ट सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा है कि अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होंगे तो हमें एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिखना है, उसी को हम बस बनाते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? गुड सर। चलिए अब ये दोनों जरा देखिए क्वेश्चन, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तरीका क्या है भाई, इसमें वेरिएशन है कि नहीं है, है कि नहीं? तो देखो अगर आप वैसे चलोगे तो x1 की वैल्यू तो 0 से 20 तक कुछ भी हो सकती है। यस सर। X2 की वैल्यू भी 0 से 20 तक कुछ भी हो सकती है। X3 की वैल्यू भी 0 से 20 तक कुछ भी हो सकती है। सोचना जरा, हो सकती है कि नहीं? यस सर। बट X4 की वैल्यू 0 से सिर्फ 5 तक हो सकती है, हाँ या ना? Yes, तो अगर सिचुएशन वाइज चलो, मतलब क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के उस पे आओ और केस वैसे जैसे सोचा है वैसे चलो, तो हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 कहां 1 प्लस एक्स से लेके एक्स की पावर 20 की क्यूब इनटू क्या 1 प्लस एक्स की पावर 5 नहीं एक्स की पावर 4 यस सर प्लस एक्स की पावर प्लस 8 से लेके एक्स की पावर 20। इसमें हमें एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए। यही तो है मेरी सिचुएशन, हाँ या ना? बोलिए। तो आप ये तो जीपी है आपके सामने, है कि नहीं है? तो इस जीपी का अगर आप सम देखोगे तो इस जीपी में टोटल 6 टर्म है कि नहीं है, बताओ? इस जीपी में टोटल कितने टर्म है भाई? 6 है। तो 6 टर्म के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स की पावर 4 उसकी पावर 6। अरे हाँ या ना भाई? जीपी का कॉमन रेशियो एक्स की पावर 4 है कि नहीं है, बोलो सर। उसकी पावर क्या लिखोगे? 6 और होल डिवाइडेड बाय की पावर 4 माइनस 1 माइनस x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4। अरे तो घूम फिर के थोड़ा टफ हो जाएगा, छोड़ दो इसको। यस सर, लंबा पार्ट है। हां उसमें कोफिशिएंट में फिर हमें तो नीचे वही टर्म बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो 1 प्लस x की पावर 4 x की पावर 8 x की पावर 12 x की पावर नहीं इससे भी लिख देता हूं, फिर एक शॉर्टकट अभी बताऊंगा। x की पावर 16 x की पावर 20 और ये तो वही 21 22 ऐड कर दें तो कोई फर्क है नहीं। तो 1 माइनस x की पावर माइनस 3 ले लो और इसमें किसका कोफिशिएंट निकाल लो, बताओ? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 का। तो जब 1 लोगे तो क्या लोगे? जब 1 लोगे तो क्या लोगे? 20। बोलिए तो 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 20। अच्छा जब 4 लोगे तो क्या लोगे? 16। तो 16 प्लस 3 माइनस 1 सी 20। जब 12 लोगे तो क्या लोगे? 8। अभी 8 लेंगे उसके पहले। हाँ 16 लोगे तो क्या लोगे? 4। अरे सॉरी ये गड़बड़ हो रहा ना। 8। यहाँ पर लेंगे 16, यहाँ पर लेंगे 8, यहाँ पर लेंगे 4। फिर जब 20 लोगे तो क्या लोगे? 0। 0। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बोलिए। yes, ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं? मुद्दे की बात ये समझाओ।
ये मेथड आप सभी को समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई जल्दी से। गुड, अब इसी का एक दूसरा मेथड देखो जो कि शॉर्टकट है, ठीक है ना। मेथड टू की बात करते हैं हम लोग। मेथड टू में क्या था, अगर मैं ऐसे लिख देता x1 plus x2 plus x3 equal to 20 minus 4x4, ध्यान देना सब लोग, लिख दिया मैंने। अब अगर मैं आपसे पूछता x1 x2 x3, ये सारे सॉल्यूशन 0 से 20 के बीच में होंगे? अरे हाँ या ना। तो टोटल वेज कितने लिखते हैं आप बताओ। ये बात, ये काम आप केवल तब कर सकते हैं जब किसी एक जगह वेरिएशन हो। ये काम आप हर बार कर सकते हैं, दो जगह हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट, तीन जगह हो तो भी। बट अगर किसी एक क्वांटिटी में वेरिएशन आ रहा हो, किसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई का, तो ये शॉर्टकट लग सकता है। अब सोचो टोटल वेज कितने आएंगे, 20 + 3 - 1 - 4x4 c 3 - 1। एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो एम आई करेक्ट और नॉट। मेरी बात समझ में आ रही सबको कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। क्या ये वेरिएशन आप लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसी में x4 की वैल्यू कहां से वेरी करेगी, 0 से 5 तक। यही देखो, ऐड करके लिखोगे, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, हाँ या ना। कॉमन सेंस से सोचो, लिखा है कि नहीं, 23 - 1 - 22 - 4x4। देखो यही बात घूम के आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। 22 - 4x4 c 2। देखो यही आंसर बनेगा, पहले जीरो रखोगे तो 22 c 2, फिर क्या रखोगे, 1 रखोगे तो 18 c 2। अरे हाँ या ना, बोलिए सर। जैसे मिस हो गया था यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर, x की पावर 8 से जो निकालना था कोफिशिएंट, वो मिस कर दिया है। अरे तो कोई बात नहीं यार, वो तो लिख लोगे तुम लोग यार, इतना क्या, मतलब बीच में यहाँ एक मिस हो गया ना। यस सर, 5 ही था। हाँ तो 8 के साथ 12 निकालेंगे ना, तो 12 + 3 - 1 c 12। हाँ वो तो यहाँ आ ही जाएगा ना, बोलो। 14 c 2, फिर कितना c 2, 10 c 2, फिर 6 c 2, फिर 2 c 2। सेम लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो अगर किसी एक जगह यहाँ पर क्वांटिटी k मल्टीप्लाई होगी, तो वही आप k n लेके यहाँ पर उसी का वेरिएशन लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, या ये जनरल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, दोनों तरीके। क्या मैंने जो समझाया वो समझ में आया, बस ये बात बताओ। हाँ भाई, ये सबको समझ में आ गया होगा। 9c3 x1 plus x2 plus x3 plus x4 10 लेना है, और x1 x2 x3 x4 0 से ग्रेटर होना चाहिए, या 0 से ग्रेटर लिखने से बेटर है क्या लिख दो, 1, कम से कम एक लेना ही लेना है। तो अब बताओ x1 plus x2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई चलेगा काम। तो x1 plus x2 plus x3 plus x4 कर लो, ये क्या हो जाएगा, 6। तो अब टोटल वेज कितने हो गए सोचो, 6 + 4 - 1 c 4 - 1, आंसर इज 9 c 3। गुड, अगला वाला सोचो, और फिर अगला वाला ये सोचो, जल्दी सोच के दोनों आंसर बताओ। मल्टीनोमियल में इससे बड़ा वेरिएशन नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितने मिलेंगे, यानी सब में आपको जनरल कॉन्सेप्ट लगाने, यही तो है सिचुएशन, बोलो। मतलब x1 plus x2 plus x3 ये 10 है, यही तो है सिचुएशन। x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6। x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 8। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। इसका मतलब 1 plus x से लेके x की पावर 6, 1 plus x plus x square से लेके x की पावर 7, 1 plus x plus x square से लेके x की पावर 8, क्या बोलते हो तुम लोग। अरे हाँ है ना, इसमें हमें किसका कोफिशिएंट लेना है, x की पावर 10 का, बस। तो अब क्या हम इसमें जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, मेरे हिसाब से वही मुझे सही लग रहा है, बोलो। तो x की पावर 7 - 1 by 9,
वन माइनस एक्स की पावर सेवन बाई वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स की पावर एट बाई वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स की पावर नाइन बाई वन माइनस एक्स. तो इसका मतलब क्या हो गया ये, वन माइनस एक्स की पावर सेवन, वन माइनस एक्स की पावर एट, वन माइनस एक्स की पावर नाइन इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री. इसमें हमें किसका कोफिशिएंट लेना है, x की पावर 10 का. 10 का. अब निकाल लेंगे कि नहीं बताओ. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा सोचो, वन माइनस एक्स की पावर सेवन, एक्स की पावर एट और एक्स की पावर 15. इसमें मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस एक्स की पावर नाइन, तो क्या बनेगा ये, वन माइनस एक्स की पावर सेवन, एक्स की पावर एट और एक्स की पावर नाइन. उसके बाद के सारे कोफिशिएंट जो भी बनेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ये बात समझ पा रहे हैं, मैं जो ये लिखते जा रहा हूँ बोलो. हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है बेसिकली. तो हमें 10 तक जाना था, तो एक्स की पावर सेवन, एक्स की पावर एट, एक्स की पावर नाइन, उसके बाद जो टर्म आएंगे उससे हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके बाद के टर्म्स तो सारे 9 से 10 से बड़े ही आएंगे. अब इन्हीं तीनों का कोफिशिएंट ले लो. तो जब 1 लोगे तो अंदर से किसका कोफिशिएंट लोगे, 10 का. बोलो तो 3 प्लस 10 माइनस 1 सी 10. अरे हाँ या ना. अच्छा, इसके बाद जब 7 लोगे तो अंदर से किसका कोफिशिएंट लोगे, 3 का. 3 का. तो 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3. 8 लोगे तो किसका कोफिशिएंट लोगे, 2 का. तो 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 2. 9 लोगे तो किसका कोफिशिएंट लोगे, 1 का. तो 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 1. इसी को सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे. क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है सर? कोई कंफ्यूजन आए तो बताओ. मेरे हिसाब से लॉजिक एकदम क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हाँ या ना. डन. अब बताओ, 3 अनबायस्ड डाइस जो है थ्रो किए गए, सम जो है 10 या 11 आता है. मैं 10 वाला बताऊं, 11 वाला आप सॉल्व कीजिएगा. तो जब कोई डाइस आप थ्रो करेंगे तो x1 आएगा पहली डाइस में, x2 आएगा दूसरी डाइस में, x3 आएगा तीसरी डाइस में, और तीनों का सम सपोज 10 होना चाहिए. अच्छा, जब आप डाइस थ्रो करते हैं तो x1, x2 और x3 की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है. इसका मतलब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 किस में, x प्लस x स्क्वायर से लेके x की पावर 6 का क्यूब में. हाँ या ना. बोलो, इसका मतलब x क्यूब 1 माइनस x की पावर 7. बोलो टोटल कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, सॉरी, 1 माइनस x की पावर 6 का क्यूब और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की पावर 3. इसका मतलब आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, x क्यूब इंटू 1 माइनस x की पावर 3 इंटू 1 माइनस x की पावर माइनस 3 में. हाँ या ना. ये बात समझ पाए कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात. बोलो. yes, ये सबको समझ में आता होगा. यस सर. यस सर. गुड. अच्छा, अब ध्यान से देखना, x क्यूब तो ऐसे ही लिखो, इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 मतलब 3c0 माइनस 3c1 x की पावर 6 प्लस 3c2 x की पावर 12. क्या x की पावर 12 से हमें कोई मतलब है, ये बताओ, है क्या? नहीं. तो बस यही दो कोफिशिएंट है जो काम करेंगे. x क्यूब ऑलरेडी बाहर है तो अंदर से किसका कोफिशिएंट लोगे, x क्यूब पहले में मल्टीप्लाई होगा और 10 चाहिए, 3 आ गया, 7 और ले लें. तो पहला आंसर क्या हो गया, 7 प्लस 3 माइनस 1 सी 7 माइनस ये 3 सी 0 के साथ हो गया, 3 सी 1 9 हो गया, 1 और ले लो, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 1. इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ गया. क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है, ये क्यों कर रहे हैं यही काम? बोलो. Yes, sir. अच्छा, जब x की पावर 11 सम होगा तो किसका कोफिशिएंट ले लोगे, सेम इसी में 11 का कोफिशिएंट ले लेंगे. Yes, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, कर लेंगे काम कि नहीं? यस सर. गुड. तो ये भी सिचुएशन आप आराम से डील कर लेंगे, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए. अब इस तरह के मल्टीनोमियल में आप सारे कॉन्सेप्ट डील कर लोगे कि नहीं, बोलो. ठीक है ना, बोलिए भाई. मल्टीनोमियल में आखिरी यूज यही है. पहला तो सवाल मेरा बताओ,
3000 को ब्रेक करके क्या लिखा, अगर किसी ने लिखा हो तो? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 3। डन। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं x में 2 की पावर a 1 है, ठीक है, 3 की पावर b 1 है, ठीक है, और 5 की पावर c 1 है। y में सपोज 2 की पावर a 2 है, 3 की पावर b 2 है, और 5 की पावर c 2 है, ठीक है। z में 2 की पावर, बोल लो भाई, a 3 है, 3 की पावर b 2 है, और 5 की पावर c 2 है, c 3 है मतलब, बोलो। तो इसका मतलब अगर हम x y z मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर a 1 प्लस a 2 प्लस a 3 आएगा, 3 की पावर b 1 प्लस b 2 प्लस b 3 आएगा, और 5 की पावर c 1 प्लस c 2 प्लस c 3 आएगा। am I correct or not? बोलो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो a 1 a 2 a 3 है, या b 1 b 2 b 3 है, या c 1 c 2 c 3 है, सब 0 या 0 से बड़ा है। Am I correct or not? Yes, sir. Good. अब अगर मैं compare करूं कि ये 2 की power 3, 3 की power 1 और 5 की power 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब A1 कैसे arrange होनी चाहिए? 3. B1 plus B2 plus B3 का sum क्या होना चाहिए? 1. और C1 plus C2 plus C3 का sum क्या होना चाहिए? 3. इसको arrange करने के तरीके 3 plus 3 minus 1 C3 minus 1. इसको अरेंज करने के तरीके 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसको अरेंज करने के तरीके 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। तो टोटल वेज भाई साहब कितने हो गए? हाँ, यानी कि 5 सी 2 इनटू 3 सी 2 इनटू 5 सी 2। यही टोटल वेज आ गए। क्या ये तरीका समझ में आया? बताओ भाई। देखा, मल्टीनोमियल और डिविजर्स का कंबाइंड यूज है इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? एक्स वाई जेड कोई भी नंबर लिखोगे, अगर उसका प्रोडक्ट ये बनना है तो उसमें या तो 2 की पावर होगी। अब 2 की पावर ए वन बी वन सी ए टू बी टू सी मतलब सॉरी ए वन ए टू ए थ्री में वही होगी, और उन तीनों पावर का सम हमेशा 3 होगा। तो इसके जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन है उतने तरीके से 2 की पावर अरेंज हो सकती है, इसके जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन है उतने तरीके से 3 की पावर अरेंज हो सकती है, इसके जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन है उससे 5 की पावर अरेंज हो सकती है। तो 2 3 5 की पावर ही कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये निकाल लीजिए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख दीजिए। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताएं आप। डन हो गया मामला? वेरी गुड। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हमें डी अरेंजमेंट पढ़ना है। बोलिए।